हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉलेज सीरीज़ में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80GG के बारे में। यूजुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी रेंटेड प्लेस पे रहते हो तो आपको रेंट पे करना होता है, जो कि बट ऑब्वियस है। बट जो रेंट आप पे करते हो, क्या आपको पता है कि आप उसका भी बेनिफिट अवेल कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो रेंट आपने पे किया है आप उसका भी बेनिफिट अवेल कर सकते हो। वो बेनिफिट आपको अवेल होगा अंडर सेक्शन 80GG में। बहुत सारे लोग इसकी जानकारी नहीं होती है और उसका वो बेनिफिट अवेल नहीं कर पाते हैं। आज इस सेक्शन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि इसका बेनिफिट आप कैसे अवेल कर सकते हो। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेक्शन 80GG के बारे में। देखो, 80GG जो सिंपल मैंने कहा कि वो होता है किस चीज़ के लिए? रेंट पे के लिए, यानी कि जो भी आपने रेंट पे किया है उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80GG। जो भी आपकी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, उनमें से जो सबसे कम होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ऑलरेडी HRA का बेनिफिट अवेल कर रहे हो उस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप जिस जगह पे रहते हो उसी लोकैलिटी में या उसी सिटी में आपका कोई दूसरा घर भी है और इसके बाद भी आप ये सेक्शन का बेनिफिट अगर अवेल करना चाहते हो तो भी आपको ऐसा नहीं करने की परमिशन है। आपको इसकी परमिशन तभी मिलेगी जब आप सचमुच किसी रेंटेड प्लेस में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेंटेड प्लेस पर नहीं रहता हूं, मैं अपने पापा के साथ अपने पापा के घर में रहता हूं, वो घर जो मेरे पापा या मम्मी के नाम से रजिस्टर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा तब भी आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हो। बट आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी होगी कि आपको पापा के साथ एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा कि आप वहाँ पे एज अ किराएदार रह रहे हो और आप एक सफिशिएंट अमाउंट जो भी आप लोगों के बीच में एग्रीड हो वो आप रेगुलर बेसिस पे उसकी पेमेंट करते रहो अपने पापा के अकाउंट में, जिसके बेसिस पे पापा भी उस चीज़ को अपनी इनकम कंसिडर करें। यूजुअली आपने देखा होगा कि आज की ट्रेंड में, ठीक है अभी धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, लेकिन पहले के समय में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था। यूजुअली मदर जो होती थी वो हाउसवाइफ होती थी। तो आप क्यों ना एक अपना एग्रीमेंट करवा देते हो अपनी मम्मी के नाम पे। इससे क्या होगा कि आपकी मम्मी को एक सफिशिएंट अमाउंट आप देना शुरू कर दोगे और मम्मी को वो इनकम ITR फाइल करने में मदद मिल जाएगी, यानी कि मम्मी की भी कुछ आइडेंटिटी हो जाएगी, कुछ मनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, अगर मैं कहूँ तो आप अपनी वाइफ के नाम से भी, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ या वाइफ अपने हस्बैंड के नाम से भी ये बेनिफिट अवेल कर सकती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास बेनिफिट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप अवेल करना चाहो तो। यूजुअली बहुत सारे एडवोकेट्स या बहुत सारे लोग आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इस बारे में पता हो। और अगर मेरा कोई ये वीडियो एडवोकेट देख रहे हैं तो मैं उनको भी एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि इस सेक्शन का बेनिफिट अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को जरूर करवाइए। अब बात आती है कि बेनिफिट दिलवाना कैसे है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उस रेंट को आपको पूरे एक साल का रेंट निकालना होगा। तो 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक साल का होता है 60,000। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको देंगे किसी भी फैमिली को, वो देंगे 60,000 रुपीज़ पर एनम। मंथली बेसिस पे बात करें तो 5000 रुपीज़ पर एनम, क्योंकि ITR जब हम बनाते हैं तो वो एनुअल बेसिस पे होता है, तो हम यहाँ बात भी एनुअल बेसिस पे करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 60,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो एट इट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट बात, आपकी जो भी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का 25% तक आप क्लेम कर सकते हो। यानी कि एक गवर्नमेंट ये मानती है कि जो भी आप इनकम कमाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लाख रुपए की इनकम अर्न करते हो तो एक यूजुअल फैमिली 1 लाख रुपए तक के किराए के मकान में रह सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 4 लाख रुपए अर्न कर रहा है और 3 लाख वाले मकान में रहे या 2 लाख वाले किराए के मकान में रहे, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जितनी भी आपकी इनकम है उसका अप टू 25% तक अगर आप अपने रेंट पे खर्च करते हो तो वो अगर मैक्सिमम अमाउंट है तो उसका हम आपको क्लेम दे देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्लेम आपको मिलेगा वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के बेसिस पे मिलेगा, दैट इज मैक्सिमम 60,000 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। दूसरा नंबर है 25% ऑफ द टोटल इनकम, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर आप कोई कैपिटल गेन अराइज कर रहे हो या अगर आप सेक्शन 50 115A और 115D का अगर बेनिफिट ले रहे हो या कोई भी डिडक्शन अगर आप अवेल कर रहे हो, इन सबको एक्सक्लूड करके, इन सबको हटा करके आपको 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड बात आती है, जो भी आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो
उसको 10 कर दो, लेस कर दो 10% ऑफ द इनकम, आपकी टोटल इनकम से आप 10% लेस कर दो आपके एक्चुअल रेंट को। इसके बाद जो वैल्यू सी की बनकर के आएगी, इन तीनों का कंपैरिजन करिए, ए बी और सी का, इन तीनों में जो सबसे लोअर वैल्यू होगी उसका आपको बेनिफिट अवेल हो जाएगा, यानी कि उतना रुपए आप अपनी इनकम से रिड्यूस कर पाओगे, उतनी वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स कम पे करना होगा। तो हो गया ना ये मज़ेदार सेक्शन जहाँ पे आपको आसानी से एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। भाई अगर आपका अपना घर है तब तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर पापा मम्मी का घर है या आपकी वाइफ के नाम से घर है या वाइफ के नाम से घर है तो हस्बैंड, हस्बैंड के नाम से घर है तो वाइफ, इस तरह से करके आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हो। पर ये ध्यान रखिएगा कि अपनी इनकम अगर आप किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो, यानी कि रेंटल इनकम किसी और को दिखा रहे हो, तो उसके ITR में वो रेंटल इनकम जरूर शो कर देना। फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब उसके पास में अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो करूंगा तो फिर बेकार हो जाएगा। बेकार वहां पे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर आप अपनी इनकम शो करते हो तो जो भी इनकम आपको वहां से अराइज होगी उस पर एडिशनल 30% का बेनिफिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो अवेलेबल है, उसके अलावा आपको 30% का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता हो कि कोई कंसल्टेंसी या कोई एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली मेरे पास कॉल करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।